अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस। सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस के ऊपर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, इसको हम लोग ने किसी फ्लूइड के अंदर पूरी तरह से सबमर्ज करके रखा है। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे वो ऐसा कुछ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन बना दी। वाई एक्सिस के कंपैरिजन में देखें तो इसका टॉप व्यू दिखेगा, जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा दिखेगा। इसको जब हम लोग ऊपर से देखेंगे वो हम लोग ने यहाँ बनाया है, ये इसका टॉप व्यू हो गया। अब इस वाले सरफेस में हम लोग को एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं डी ए के बराबर। एक्स एक्सिस से इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि वाई के बराबर है। वाई को जब यहाँ इसको इस वाले को जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाली जो हाइट है फ्री सरफेस है इसको एच के बराबर मान लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया होता है, और प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी एच, और ए एफ इज इक्वल्स टू। अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया की बात कर रहे हैं तो उसमें फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो डी एफ इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू डी ए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये थीटा हम लोग ने एंगल माना इसका सरफेस के, इस मतलब थीटा डिग्री इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, वाई के बराबर है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच, एच की ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो डी एफ इज इक्वल्स टू रो जी एच की जगह वाई साइन थीटा इंटू डी ए। एरिया की बात हो रही है मतलब डबल इंटीग्रल आएगा, तो डबल इंटीग्रल डी एफ इज इक्वल्स टू रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, वाई वेरी करेगा, तो डबल इंटीग्रल वाई डी ए, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था मैकेनिक्स का थोड़ा सा बीच में पार्ट आ रहा है इसमें, कि अगर यहाँ पे सेंट्रॉइड मानते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड वाला पार्ट, तो वाई सी ये जो डिस्टेंस रहेगा, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो वाई सी इज इक्वल्स टू होता है डबल इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन डी ए, मतलब टोटल एरिया। यहाँ से हम लोग डबल इंटीग्रल वाई डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल इंटीग्रल डी ए तो ए के बराबर हो जाएगा, तो डबल इंटीग्रल वाई डी ए इज इक्वल्स टू वाई सी इंटू एरिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं वाई डी ए की, वाई डी ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आ गया वाई सी इंटू एरिया, तो डबल इसका क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा, इसकी जगह वाई सी इंटू एरिया, ठीक है। ये वाई सी है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, मतलब इसके सेंट्रॉइड की हाइट फ्री सरफेस से कितनी हो जाएगी, एच सी, एच सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और साइन थीटा वाला टर्म देखें, अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है, एच सी, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा इसका, वाई सी, ठीक है। तो वाई सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच सी के बराबर। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं वाई सी साइन थीटा की, तो क्या आ जाएगा इसके बदले, एच सी, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो जी एच सी इंटू ए। हम लोग ने पुराने वीडियोस में देखा था कि जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जाते जाते हैं, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज़ीरो रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ डेप्थ पे है, तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, इसमें हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। तो इस केस में हम लोग ने देखा लीनियरली इंक्रीज करता गया। सेंट्रॉइड हम लोग ने माना यहाँ पे, तो
जो अभी हम लोग ने एफ की वैल्यू निकाली उसका अगर हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालें तो वो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स अभी हम लोग ने निकाली थी एफ की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, कॉमन सेंस से पता चलता है इस साइड के टर्म्स थोड़े से कम है और इस साइड वाले ज़्यादा ज़्यादा हैं, तो जो इसका नेट इफेक्ट रहेगा वो सेंट्रॉइड के इस साइड ही रहेगा। अब हम लोग इसी कैलकुलेशंस देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रहेगा वो सेंट्रॉइड के नीचे रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वाई पी इज इक्वल्स टू होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत बार यूज़ हो जाता है, तो वाई पी इज इक्वल्स टू होता है वाई सी सेंट्रॉइड की इस एक्सिस से डिस्टेंस, वाई सी प्लस आई एक्स एक्स अपॉन ए वाई सी। एक आई एक्स एक्स इस वाली एक्सिस के अबाउट इस वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय अ कर्व्ड सरफेस।